हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एलिमेंट ऑफ आर्ट। एलिमेंट ऑफ आर्ट के अंदर हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज की थी वो थी लाइन। लाइन के बाद में हमारे पास जो दो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो है शेप एंड फॉर्म। अब शेप एंड फॉर्म मैंने दोनों इकट्ठे ले लिए हैं क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। अब शेप है 2D, टू डायमेंशनल। डायमेंशनल मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, या लेंथ एंड हाइट आएगी इसके अंदर। और जो 3D फॉर्म है 3D के अंदर आता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब देखो, ये है आपका स्क्वायर। स्क्वायर का जो फॉर्म है वो है 3D के अंदर क्यूब। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो 3D के अंदर फॉर्म है दैट इज क्यूबॉइड। फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो 3D फॉर्म है जब कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऐड करते हैं, तब ये बन जाता है पिरामिड। सिमिलरली जब हम सर्कल को 3D फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखो आउटर स्ट्रक्चर सेम रहता है दोनों का, बट जब हम शेडिंग या कलरिंग करते हैं तब जाके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्फीयर। ये स्फीयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। रेस्ट ऑफ द जो फॉर्म्स हैं हमारी, जो हम आगे फॉर्म डेवलप करते हैं, वो सारी की सारी इन्हीं फॉर्म्स को आगे फर्दर यूज़ करेंगे। देखो, समझने की बात यह है, एलिमेंट ऑफ आर्ट के अंदर हमने शुरू किया था पॉइंट से। पॉइंट से आपकी लाइन बनती है, लाइन के बाद बनती है शेप। शेप्स को आगे हम डेवलप करते हैं, वो हो जाती हैं फॉर्म। आज का टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं फॉर्म, 3D फॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं प्रॉपरली, आपको मैं वो एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।